ओं मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है, कहाँ किसके लिए समय पॉजिटिव है, कहाँ किसके लिए कुछ परेशानी के योग है, जान लीजिए। सुबह सुबह आपके ग्रह आज क्या कुछ आपके साथ करने वाले हैं और उसके अनुसार से उपाय भी हम आपको बताएंगे, आपकी राशि के अनुसार से बताएंगे, आपके प्रश्नों का भी समाधान देंगे और साथ साथ बहुत ऐसी टिप देने वाले हैं जो आपको हेल्दी भी रखेगी, आपको स्वास्थ्य भी रखने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़ते हैं तो आपके स्वास्थ्य का, आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का और आपके परिवार का हर रूप से ध्यान रखते हैं, आपके प्रश्नों का भी समाधान रखते हैं। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। माँ अंबे करेंगे कल्याण। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, द्वादशी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, नक्षत्र अश्विनी विद्यमान है, बड़ा महत्वपूर्ण सौभाग्य नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो पहली राशि मेष राशि पर आ गए। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। आज तो बड़ा ही सिद्ध सर्वार्थ सिद्ध नाम का योग बना हुआ है जो सूर्य उदय से ही विद्यमान है और रात्रि तक चलेगा। बस राहु काल से बचना है आपको। 11:05 से लेकर 12:35 तक रहे। आज प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत का नाम से ही जाना जाता है, यानी दोष रहित त्रयोदशी का व्रत भी इसको कहा जाता है। यह व्रत माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव को समर्पित व्रत कहा जाता है। पुराणों के अनुसार से इस व्रत को करने से स्वास्थ्य लाभ, लंबी आयु प्राप्ति के योग बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार से प्रदोष व्रत साल में कई बार आता है और प्रायः महीने दो बार तो आता ही है और प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में त्रयोदशी आती है और जिस दिन शाम को त्रयोदशी हो उस दिन प्रदोष व्रत करने का नियम शास्त्र प्रशस्त करता है। सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय पहले पहर में जब त्रयोदशी बन जाती है तो प्रदोष काल माना जाता है, वही प्रदोष काल है और वही त्रयोदशी हो जाए तो प्रदोष व्रत कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा करने का नियम है। सनातन पद्धति में व्रत उपवास इत्यादि बड़ा महत्व रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इन व्रतों का पालन करते हैं उनकी मन की तमाम इच्छाएं जो है पूर्ति को प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार से महीने में दो तिथियां आती हैं त्रयोदशी के रूप में। शाम के समय प्रदोष काल कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश में स्थित होकर अपने रजत भवन में ऐसे समय में बड़े आनंद से नृत्य करते हैं, ध्यान रखते हैं और कहा जाता है कई जगह तो भ्रमण भी करते हैं और जो लोग उन्हें इस समय में प्रार्थना करते मिलते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ति के योग बना दें, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस काल को, प्रदोष काल को केवल पूजा के लिए प्रशस्त किया गया है और कलयुग में प्रदोष व्रत करना बड़ा ही मंगलकारी है। देखिए, मनोकामना की सिद्धि की बात हो गई है तो जान लीजिए आज गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा खास उपाय आप करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आज सूर्यास्त से पहले काली मिट्टी से उत्तर पूर्व कोने में 1.25 गज की चौड़ाई और लंबाई में एक लेपन कर लीजिए, यानी चौक को लीप लीजिए। इसके बाद स्वास्तिक बनाकर एक लाल वस्त्र में पानी वाला नारियल लपेटकर वहां रख दीजिए। वहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करें और एक कपूर अथवा घी का दीपक वहां प्रज्वलित कर दीजिए और एक पात्र में घी के द्वारा शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् मुरवारुकम् वंदनामृतमुखी मामृतात् या महामृत्युंजय और अगले दिन उस नारियल को सूर्योदय से पूर्व किसी चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। देखिए, मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कष्ट दूर होंगे, शिव समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाएंगे। अब समय हो गया राशियों के अनुसार से जानने का मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले नंबर है हर रोज की तरह मेष राशि वालों का। माँ अंबे करेंगी कल्याण। मेष राशि वालों, आज का दिन शुभ फलदायी रहता दिखाई दे रहा है। काम धंधे व्यापार में अच्छा समय कटेगा और कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। समाज में सम्मान बढ़ता दिखाई दे रहा है। व्यर्थ की चिंताओं से बचना होगा, सेहत अच्छी रहेगी। क्यों चिंता कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, समय अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। दाल का दान करना और वो भी खासतौर पर आज चने की दाल का दान करना बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। बाम्बे करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन मिला जुला सा रहता दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी परेशानियां अवश्य आपके समक्ष आ सकती हैं, चिंता ना करें। कार्यभार का थोड़ा अधिक रहेगा लेकिन टाइम टेबल बना के काम करें। आपके प्रयासों से, परिश्रम से सफलता मिलने के योग बनेंगे, लेकिन जो लेकिन है वो इसलिए अनावश्यक खर्चों पर, व्ययों पर नियंत्रण रखते हुए काम करें और सेहत का ध्यान रखें। शुभ अंग आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा रहेगा। मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करें, कपूर का जलाएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। माँ अंबे करेंगे कल्याण। लगातार हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, हमने व्हाट्सएप के लिए कहा था, देखिए व्हाट्सएप भी आने शुरू हो गए।
गाजियाबाद से विनोद चौधरी जी का प्रश्न आ गया है। पिछले 20 सालों से वो किराए के मकान पर रहन बसन कर रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं, भाग्य में जानना चाहते हैं क्या मकान लिखा है या नहीं। अरे नहीं, क्यों, आपने जन्मपत्री भेज दी ना, हमने आपको रास्ता बना देंगे। आपकी कुंडली में मकान बनाने का योग है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। समय को जान लीजिए, उपाय बता रहे हैं उसको कर लीजिए, बहुत जल्दी समय आपको प्राप्त होगा। एक बड़ई से एक छोटा सा लकड़ी का घर बनवा लीजिए और उसकी कीमत उसे अवश्य चुका दीजिएगा, और जो उचित कीमत मांगे वो अवश्य दे दीजिएगा, नहीं तो शुरुआत के दौर में ही कर्ज का योग बन जाएगा। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले किसी मंदिर में, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर दीजिए। साथ साथ 5 तत्व अवश्य रख दीजिए। 5 तत्व क्या क्या है? 1 मिठाई, 1 इलायची, 1 लाल सूत और 1 रुपये का सिक्का और 1.25 किलो के आसपास चावल जरूर रख दीजिएगा। महालक्ष्मी जी मंदिर में छोड़ा है, और कोशिश करें अपने घर में पंडित जी से कहकर सिद्ध लक्ष्मी यंत्र सिद्ध करा लीजिए और श्री सूत का नित्य प्रति पाठ करना शुरू कर दीजिए। माँ में करेंगी कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। व्यवसायिक गतिविधियां मध्यम रहती दिखाई दे रही हैं, कार्यभार की थोड़ी अधिकता रहती दिखाई दे रही है। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाणी का संयम रखें, अन्यथा बेवजह विवाद में फंस सकते हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। लेन देन के कामों से बचना का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा कहीं आपकी अश्योरिटी हो तो वहाँ लेन देन ना करें, यात्रा को टालने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। महालक्ष्मी का पाठ करना, पूजा करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। आज का दिन मिला जुला सा रहता दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में बदलाव होने की संभावना रहती दिखाई दे रही है। व्यापारिक गतिविधियां प्रगति की तरफ जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे, धन लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन एक समस्या है कि ज़्यादा खर्चे, अधिक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। सावधान होकर काम करें, सेहत का ध्यान रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। देखिए आज बड़ी शुभ तिथि है, शिव का अभिषेक भी कर लीजिए जल के द्वारा, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। उज्जैन से ओम शांडिली जी का एक प्रश्न आ गया है और उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है जो सबके कल्याणकारी है। उन्होंने कहा है कि जिस जातक की हथेली में कनिष्ठिका और अनामिका उंगली के बीच में वी आकार बन जाता है, वी चिन्ह बन जाता है, उसका प्रभाव क्या होता है। अगर किसी जातक के हाथ में कनिष्ठिका और अनामिका के पास वी का निशान बन जाता है तो कहा जाता है कि इस जातक, ऐसे जातक को शादी के बाद बहुत सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। जीवन साथी जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बड़ा सहयोग प्रदान करता है, भाग्यशाली होता है, और ऐसा है अधिकांश रूप लोगों में हमने देखा है। इस वी प्रकार का जो आकार का चिन्ह होता है, उनकी जो जीवन साथी होता है वो वर्किंग होता है और बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आदमी स्त्री के लिए बड़ा, दोनों के लिए ऐसा योग बनता है। और जातक की कुंडली में विवाह के बाद महालक्ष्मी कृपा अद्भुत रूप से प्राप्त होती है, खुशहाल दाम्पत्य जीवन जीने को मिलता है, भाग्यशाली रहते हैं इस व्यक्ति। भारतीय संस्कार में, हिंदू संस्कृति में, हिंदू पंचांग के अनुसार से समस्त शिव मंदिरों में शाम के समय शिव का मंत्र का जप करना ही, वास्तविक तौर पर शिव के समक्ष सानिध्य में बैठकर जप करना ही जो व्रत का मुख्य भाग है। प्रदोष के कुछ नियम भी हैं। प्रदोष व्रत करने से पहले, सबसे पहले त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। क्या सूर्योदय के बाद यदि सोते हैं तो भाग्य सो जाता है। सूर्य, आप सूर्य को उठाएं, सूर्य आपको ना उठाए, ऐसा ध्यान रखें। स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र जो है, धुले हुए वस्त्र हैं वो धारण कर लीजिए। उसके बाद बिलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल लेकर भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सायं से पहले पहले पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से पहले पुनः दोबारा स्नान करें। साफ वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। और व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि में कर सकते हैं पूजन करने के उपरांत। उद्यापन करने से पहले एक दिन इस बात का ध्यान रखें, पूजन में श्री गणेश की पूजा भी अवश्य करने का प्रयास करें। मांबे करेंगी कल्याण। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए समय कैसा है। आज व्यवसायिक गतिविधियों के लिए प्रगति के प्राप्ति के योग बन सकते हैं, विस्तार की नई योजनाएं बन सकती हैं सिंह राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से। अकस्मात धन लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं और तरक्की के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, धार्मिक आयोजन में भाग लेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। ओवरऑल मिलाकर आपकी राशि अच्छी दिख रही है। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सलेटी है और शिव पर थोड़ा कच्चा दूध और तिल समर्पित कर दीजिए। आज के शुभ योग में कल्याण के योग बनेंगे। माँ में करेंगी कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। आज धन लाभ होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं, कार्यभार की थोड़ी अधिकता जरूर रहेगी, लेकिन प्रयास जो है आपके वो आपको सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। परिजनों के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास आप करते दिखाई दे रहे हैं और बन भी सकता है वो। सकारात्मक पॉजिटिव रवैया अपनाइए, नेगेटिव मत सोचिए। सकारात्मक रवैया अपनाएंगे तो रखिए रखिए उसको बिल्कुल पॉजिटिव लाभ प्राप्त होगा। पैसों के देन लेन में खासतौर पर और व्यापार में जोखिम उठाने से बचें। खान पान में सावधानी बरतें, ये ग्रह दिखाते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए रहेगा सिल्वर।
सुगंधित पुष्प, आजकल मोतिया बहुत आ रहा है और रजनीगंधा आ रहा है, ये सुगंधित पुष्प जो है वो भगवान को अर्पित करें, देखिए कल्याण के योग बनेगा। मां अंबे करेंगी कल्याण। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप से आए मैसेज की, जो उज्जैन से आया है और सुभाष जी का मैसेज आया है। उन्होंने लिखा है कि वो किसी ना किसी मुसीबत में, किसी ना किसी परेशानी में उलझे रहते हैं जिंदगी में, समृद्धि जिंदगी में खासतौर पर कई बार ऐसी समस्या आ गई है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, सामान्य स्थिति हो ही नहीं पा रही है। कौन सा ग्रह के चक्कर में फंसे हैं वो जानना चाहते हैं, उपाय भी जानना चाहते हैं और जन्मपति सही से विचार विमर्श करके आप बताएं, जानना चाहते हैं, लिखा उन्होंने। चिंता ना करें, आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कई बार सकारात्मक जो ग्रह है ना, कई बार ग्रहों का प्रभाव होता है, उसको समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन मनुष्य जीवन में, सामान्य जीवन में जीने के लिए कई सारे ग्रह, सूर्य चंद्र बुध शुक्र को अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिससे पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, कारोबारी जीवन में समय अच्छे से चलता रहे। इन ग्रहों की सकारात्मक पक्ष को जानने के लिए, सही करने के लिए कुछ उपाय भी जान लेना चाहिए आपको। कई बार ग्रह अनुसार से काम नहीं कर रहे होते अच्छे से, तो कष्ट होने के योग बन जाते हैं। और इनका चमत्कारिक प्रभाव आपके ऊपर दिखे उसके लिए कोई विधि और विधान नहीं है, इस बात को समझे, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, केवल ना ही कोई यंत्र है, बस सिर्फ इतना सा करना है, छोटा सा काम है। देखिए आप तटस्थ है ना, सही से काम कर रहे हैं, प्रातःकाल सुबह उठकर घर में, गमले या जमीन में जितने भी पौधे आपने लगा रखे हैं घर के आसपास, उनको पौधों में जल दीजिए। पौधों में जल देने से कई ग्रहों के दोष मिट जाते हैं। मामे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। कारोबार में आशा के अनुरूप सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, नई योजनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। दिन में थोड़ी भागदौड़ अधिक रहेगी, आज क्रोध की अधिकता भी रहती दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आपने बैलेंस करें, परिजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, सेहत का ध्यान रखिए। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। आज वस्त्र, जो शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं उनको दान करने का प्रयास कीजिए, कोई भी वस्त्र लेकर उनको दान कर दीजिए, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कैसा है जान लीजिए। आज कारों में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, मन में उत्साह बना रहेगा वृश्चिक राशि वालों, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। आज परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आपको करने का प्रयास करना चाहिए और परिजनों के साथ यानी परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, वो आपके लिए कल्याणकारी है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। मंदिर में जाकर पूजा करें, प्रसाद का वितरण करें, कल्याण के योग बनेंगे। अब समय हो गया है स्वप्न विज्ञान के बारे में बात करने का और बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप आ गए हैं इस कार्यक्रम में भी। यूपी के कन्नौज से श्याम सुंदर जी का प्रश्न आया, उन्होंने दीवार आप सपने में देखी है, ऊंची दीवार, जानना चाहते संकेत क्या है। सपने में ऊंची दीवार का दिखना शुभ संकेत नहीं माना जाता, ये नकारात्मक संदेश देता है और आने वाले समय में अचानक कोई आपके जीवन में परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए आप कोशिश करें विघ्नों को दूर करने के लिए, धनहानि को रोकने के लिए मंगल के मंत्र का जप करें, ओम क्रांग क्रींग क्रोंग सह भौमाय नमः। मामे करेंगी कल्याण। एक और हमारे पास सपन विज्ञान के अनुसार से प्रश्न आया है राजेश जी का, मुंगेर से, बिहार के मुंगेर क्षेत्र से। उन्होंने सपने में देखा कि भोजन पका रहे हैं, वो जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए सपने में भोजन पकाते हुए देखना शुभ संकेत है, आने वाले समय में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा, धन लाभ के योग बनाएगा और तरक्की भी दे सकता है समय आपको, विशेषकर नौकरी में प्रमोशन का संकेत मिल रहा है इस सपन के माध्यम से, तो प्रसन्न हो, आपके जीवन में आपके आगे बढ़ने के योग बनेंगे, आनंद प्राप्ति के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। काम की थोड़ी अधिकता रहती दिखाई दे रही है, दिन में भागदौड़ से आज समय ज़्यादा रहेगा, भागदौड़ में समय बीतेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, अन्यथा किसी विवाद में फंस सकते हैं। ईश्वर की भक्ति में खासतौर पर आपको मन में शांति प्राप्त होगी ईश्वर की भक्ति से। आज परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, परिजनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पीला है। उड़द की दाल का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए गणना दिखाती है मां अंबे करेंगी कल्याण। कारोबार में मध्यम समय दिखाई देता है, व्यवसायिक गतिविधियों में कोई छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, नई योजनाओं की शुरुआत होने से आपको बचना चाहिए, समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। आज मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा और वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें आपके लिए बहुत जरूरी है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, केसरिया रंग आपको लाभ देगा। गौ सेवा करें, अपने घर की पहली रोटी स्वयं जाकर गौ को खिलाइए, कल्याण। मामे करेंगी कल्याण। हम बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की। हिसार से एक मैसेज आया है मंगेश जी का और उन्होंने लिखी है अपनी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। वो लिखते हैं कि हर समय कपकपी महसूस होती है, जानना चाहते हैं संकेत क्या है, क्यों मिल रही है। देखिए कई बार कंपन जो होता है शरीर के अंदर वो वायु बढ़ने के कारण हो जाता है। आपने देखा यहाँ फट रहा है, यहाँ स्पंदन है, यहाँ स्पंदन है, ये सारा वायु के कारण हो रहा है। कई बार हमारा पेट बहुत ज़्यादा खराब होता है उसके कारण से वायु बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाएं
तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। थोड़ा धीरे काम करती है लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से। इसके साथ साथ थोड़ी सी सौंठ खा लिया कीजिए, तमाम भोजन के अंदर मेथी दाने का उपयोग कर लीजिए और अच्छे से कोई लग्जरी चीज़ ले लीजिए, इसबगोल इत्यादि, उससे आपका पेट ठीक रहेगा और वायु बिन्नी कम हो जाएगी। वायु मुद्रा अद्भुत रूप से लाभ देगी। मांबे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज समय कैसा है जान लीजिए। आज परिश्रम और व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार का संकेत मिलता दिखाई दे रहा है। कारोबार में धन लाभ की स्थिति बन सकती है। सहकर्मियों मित्रों के साथ आपको भरपूर सहयोग उनका प्राप्त होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात के योग बन रहे हैं, लाभदायक रहेगी स्थिति। संतान की थोड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है, सेहत को लेकर भी थोड़ा सावधान और सतर्क रहना चाहिए आपको। शुभ अंक एक है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। ओम ह्रीं नमः, ये महालक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम ह्रीं नमः, इसका जप कीजिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा। मांबे करेंगी कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। धन लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। मीन राशि वालों, कार्यों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। मनोबल बढ़ता दिखाई दे रहा है और किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, पुराने दिन की याद ताज़ा होगी। ध्यान रखें अपनी बातों से, खासतौर पर किसी को ठेस ना लगे आपकी बातों से, अन्यथा कलह होना दिखाई देता है आपकी राशि के अनुसार से। आज सेहत को लेकर सतर्क रहें, खान पान पर ध्यान दें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। गौ सेवा करना आपके लिए कल्याणकारी है। मांबे करेंगी कल्याण। हम बात करने जा रहे हैं हेल्दी टिप के बारे में और आज हेल्दी टिप में हम आपको बताने जा रहे हैं कच्चे दूध का महत्व। दूध हम पीते हैं, उबाल के पीते हैं, वैसे दूध उबाल के पीना चाहिए बहुत देर जब हो जाए, लेकिन कच्चे दूध का भी बहुत महत्व शास्त्र में बताया गया। लेकिन कब? जब धारोषण हो, यानी बिल्कुल जहां निकल रहा है तभी। बहुत देर जब प्रिजर्व कर लेते हैं तब कच्चा दूध नुकसान दे सकता है, लेकिन यदि जैसे ही निकल रहा है उसके 10 मिनट 5 मिनट के अंदर पी लेते हैं तो बहुत लाभ देता है। जिनकी सेहत बनती नहीं है बिल्कुल अद्भुत रूप से, यानी सेहत तंदुरुस्ती है ही नहीं, हड्डियां कमजोर हुई पड़ी हैं, यदि वो कच्चे दूध की पीने की आदत डालें तो त्वचा और स्वास्थ्य के संबंध में इससे फायदेमंद चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन यदि धारोषण, यानी आप बिल्कुल जहां पर दूध निकल रहा है वहीं जाके पियेंगे तो बहुत अद्भुत रूप से आपकी पाचन क्रिया को ठीक करेगा और साथ साथ आपके शरीर में नेचुरल वे में जो कैल्शियम की कमी है उसको ठीक कर देगा और बहुत बढ़िया लाभ देगा। तो इसलिए कोशिश करें आप कच्चे दूध का सेवन यदि नित्यपति करेंगे तो बहुत लाभ देगा। हम आपको कुछ बता रहे हैं, वजन कम करने में भी लाभ देता है, वजन बढ़ाने में भी लाभ देता है। कच्चे दूध के बहुत फायदे हैं। कच्चे दूध बहुत जल्दी से आपके शरीर में फाइबर तरीके से घुल जाता है और जो नेचुरल फैट्स उसके अंदर होते हैं वो आपके शरीर में डायल्यूट हो जाते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं, पेट भी साफ करेगा। लेकिन जब आपने प्रिजर्व कर लिया तब उसके अंदर कई बैक्टीरिया जम ले सकते हैं, लेकिन यदि बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर आप पी रहे हैं तो नेचुरल वे में विटामिन डी कैल्शियम की तमाम आपूर्तियों को ठीक कर देगा। अब समय आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, आपके प्रश्नों का समाधान देंगे इसी कार्यक्रम में इसी वक्त। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।